सुंदरवन जंगल में 2-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनके लिए तो बारिश बहुत अच्छी थी, लेकिन जिनके घोंसले कमजोर और बिना छत वाले थे बारिश उनके लिए जरा भी अच्छी नहीं थी। बहुत जोर से बारिश पड़ती जा रही थी। देखते ही देखते बारिश का पानी जंगल में जमा हो गया। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, बारिश का पानी पक्षियों के घोंसले तक पहुंचता गया। अरे बाप रे बाप, बारिश का पानी मेरे घोंसले में आ गया। मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा, पर मैं अपने अंडे के साथ यहाँ से कैसे बाहर निकलूंगी। तभी वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है। अरे कालू भाई, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? अरे टुनटुनी, क्या तुम्हें पता नहीं, अभी थोड़ी ही देर में जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसमें हम सब पक्षियों का घोंसला टूट जाएगा। चलो यहाँ से, हम सभी को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। जब तक ये बारिश चलेगी हम सब वहीं रहेंगे। मगर कालू भैया, मैं संडे को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? टुनटुनी, अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं आई तो तुम इस तूफान में फंस जाओगी। तुम एक काम करो, यह अंडा अपने साथ लेकर ही चलो। थोड़ी ही देर में टुनटुनी के घोंसले में पानी जमा होने लगा। अरे बाप रे, अब तो हमें निकलना ही पड़ेगा। टुनटुनी अपने अंडों को अपने पंजे में पकड़कर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो दोनों बाहर आई, घोंसला बाढ़ के पानी में बह गया। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम समय पर बाहर आ गए, वरना हम सब इस घोंसले के साथ साथ डूब ही जाते। तभी टुनटुनी चिड़िया के पंजे से अंडा फिसल जाता है और बाढ़ के पानी में गिर जाता है। जैसे ही कालू ने देखा कि टुनटुनी का अंडा पानी में बह रहा है, कालू से पकड़ने के लिए बाढ़ के पानी में कूद जाता है। कालू ने अंडे को पानी से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो सफल ना हो सका और देखते ही देखते अंडा बहुत दूर चला गया। कालू कौआ टुनटुनी के पास वापस आया। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा पाया। जब तक बारिश चलती रही सारे पक्षी जंगल के बाहर वाली गुफा में रहने लगे। कुछ देर पर बारिश कम हो गई, जंगल में भी बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। फिर सब पक्षी दूसरे जंगलों से खाना ढूंढने जाने लगे, पर उन सबको खाना नहीं मिलता। फिर वो सब उदास होकर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पक्षियों, बारिश का कहर तो खत्म हुआ, लेकिन अभी भी हमारी मुश्किलें कम नहीं हुई है। उस भयंकर बारिश की वजह से हमारे घरों जमा हुआ भोजन सब खत्म हो गया। कितने दिन हो गए हम सब पक्षियों ने खाना नहीं खाया। इस तरह भूखे रहने से तो हमारी मौत हो जाएगी। हाँ टुनटुनी बेटा, तुम बिल्कुल सही कहती हो, लेकिन हम सब क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। टुनटुनी, सब पेड़ बंजर हो गए हैं, किसी भी पेड़ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। दूसरे जंगलों में जाकर देख लिया, मगर वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। कालू भैया, आप सब परेशान मत होइए, ऊपर वाले ने चाहा तो सब अच्छा होगा। इस तरह हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोग मुझे देखिए, इस बारिश ने तो मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, फिर भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी। इस तरह वो सब पक्षी बहुत दुखी थे। तभी वो आम का पेड़ बोलता है। पक्षियों, तुम सब घबराओ मत, तुम सबकी परेशानी दूर हो जाएगी, हिम्मत से काम लो। सुनो टुनटुनी, मेरे ऊपर एक आम बचा है, तुम उसे तोड़ कर लाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ की बात मानकर वो एक आम तोड़ कर नीचे ले आती है। लीजिए पेड़ भैया, मैं आम तोड़कर ले आई हूँ, बताइए इसका क्या करना है, क्योंकि आम को खाने से हम पक्षियों का पेट तो नहीं भरने वाला। टुनटुनी चिड़िया, ये कोई मामूली आम नहीं है, बल्कि जादुई आम है। ये आम मुझे एक परी ने वरदान के तौर पर दिया था और कहा था मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ। इसलिए आज मैं इस आम का इस्तेमाल तुम सबकी परेशानी को दूर करने के लिए करूँगा। सुनो टुनटुनी चिड़िया, इस आम को पकड़ कर तुम जिस भी चीज का घर सोचोगी वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया शाम को पकड़कर अपने मन में एक विशाल आम के घर के बारे में सोचती है। तभी कुछ मिनटों में वहाँ एक विशाल आम का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सब पक्षी दंग रह जाते हैं।
शाबाश टुनटुनी चिड़िया, तुमने अपनी अकल और सूझबूझ का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। ये विशाल आम का घर तुम सब पक्षियों के लिए काफी है, और तुम जानती हो इस आम के घर के अंदर तुम्हारे जरूरत की हर चीज मौजूद होगी, और तुम सब पक्षियों के लिए भरपेट खाना भी होगा। और ये विशाल आम का घर तुम्हें बारिश और बाढ़ जैसी विपदा से बचाएगा। ये सुनकर सब पक्षी उस आम के पेड़ का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया पेड़ भैया, आपने हम सबकी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। आप नहीं जानते, अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये कहकर वो सब पक्षी उस विशाल आम के घर के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह टुनटुनी, ये आम का घर कितना सुंदर है, और यहाँ देखो कितने सारे आम खाने के लिए रखे हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर वो सब पक्षी आम के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। तभी बाहर से सुंदरी कौवे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर सब पक्षी आम के घर से बाहर आते हैं। अरे सुंदरी कौवे, तुम ये क्या कर रही हो? इस मासूम सी बच्ची को इतना क्यों मार रही हो? टुनटुनी बहन, आप नहीं जानती, ये दूसरे जंगल से आई हुई चिड़िया की बच्ची मेरे घर में खाने की चोरी कर रही थी। वो तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने इनके घर पर थोड़ा खाना चुरा लिया। तभी एक बूढ़ा कबूतर वहाँ आता है। अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। तभी कालू कौवे की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है। वो उस बूढ़े कबूतर से कहता है, कबूतर काता, ये चिड़िया आपको कहाँ मिली? क्योंकि ये आपकी बच्ची नहीं है। हाँ बेटा, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मुझे नदी किनारे मिली थी। बाढ़ की वजह से वहाँ पहुँच गई होगी, तब से मैं इसे पाल रहा हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये उसी की घूमी हुई बच्ची है। कालू भैया, मुझे लगता है ये मेरी बच्ची है जो बारिश में बहकर मुझसे दूर हो गई थी। आज ऊपर वाले ने से मुझसे मिलवा दिया। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरे पास आओ बेटा। फिर टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया को गले लगा लेती है, और अपनी बेटी के साथ वो शाम के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में सभी पक्षी बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। वो खूब हल्ला गुल्ला करते और इकट्ठे घूमने जाते थे। उनमें सुंदरी उसका पति कालू कौवा भी था। सुंदरी कौवे का पति बहुत ही चालाक और शातिर होने के साथ साथ वो सभी पक्षियों को तंग भी बहुत करता था। मगर सुंदरी कौवे, उसने किसी को कभी तंग नहीं किया, मगर कभी कभी वो दूसरे पक्षियों की सहायता कर दिया करती थी। उनके पड़ोस में चिड़िया का भी परिवार रहता था, जिसमें बंटी उसकी पत्नी लाडो रहते थे। बंटी कबूतर बहुत ही मासूम था, वो हर किसी की सहायता करके खुश रहता था। एक दिन वो सब अपने घोंसलों में बैठे होते हैं, तभी कहीं से एक चिड़िया उड़कर आती है और इधर उधर उड़ना शुरू कर देती है। कौवा और कबूतर देखते रहते हैं कि चिड़िया को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन एक बात तो वो समझ जाते हैं कि वो चिड़िया इस जंगल की नहीं है, बल्कि किसी और जंगल से आई है। जब काफी समय के बाद चिड़िया वहीं उड़ रही होती है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। चिड़िया दीदी, क्या हुआ? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? तुम इस जंगल की नहीं लग रही हो, हमें बताओ। अगर कोई मदद चाहिए तो हम आपकी मदद कर देंगे। कौवे भाई, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। हमारे पुराने जंगल में बारिश न होने की वजह से सब कुछ सूख गया है। अब उस जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, इसलिए मैं भोजन की तलाश में इधर उधर देख रही थी, तो मुझे आपका जंगल नजर आया, तो मैं यहाँ पर चली आई। अब मैं देख रही हूँ कि मैं किस पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे घोंसला ठीक रहेगा। और वैसे मेरा नाम टुनटुनी है। अरे टुनटुनी, आप फिक्र क्यों करती हैं? हमारे साथ वाला पेड़ है ना, आप चाहे तो उस पे अपना घोंसला बनाकर रह सकती हो। वो काफी दिनों से खाली पड़ा है और हमारे पास भी है। हम सब मिलके रहेंगे और एंजॉय करेंगे। टुनटुनी चिड़िया उनके साथ वाले पेड़ पर घोंसला बना लेती है।
टुनटुनी बंटी और कालू उनमें दोस्ती हो जाती है और वो अपने घोंसले में अंडे देती है, जिसके बाद उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। वो सब मिलकर अनाज ढूंढने जाते और काफी सारा भोजन घर लेकर आते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं कि देखते ही देखते बाहर के दिन खत्म होने लगते हैं। हर तरफ सूखे का मौसम शुरू हो जाता है। कुछ दिन तो जमा किया हुआ भोजन उनके काम आता है, लेकिन वो भी खत्म होने लग जाता है। कबूतर, कौवा, टुनटुनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कालू उड़कर बंटी के पास जाता है। बंटी देखो अब हम क्या करेंगे, दूसरे जंगल में भी आजकल खाने को कुछ नहीं मिलता। रोज दूर दूर तक उड़ के जाता हूँ, लेकिन मजाल है कि खाने को कुछ मिल जाए। मेरी पत्नी भी खाना ढूंढने गई थी, मगर उसे भी कुछ नजर नहीं आया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कल मैं भी अपनी पत्नी के साथ मायके गया था, वहाँ भी सूखे का मौसम आया हुआ है। मेरे ख्याल में हमें टुनटुनी से पूछना चाहिए, शायद उसको किसी जंगल का पता हो जहाँ भोजन मिल सके। वो तो दूसरे जंगल से आई है, उसे दूसरे जंगल के बारे में जरूर जानकारी होगी। अरे नाम मत लो उस मनहूस का, मुझे तो लगता है वही मनहूस है। पहले अपने जंगल में सूखा करवा के आ गई और अब यहाँ जब से हमारे साथ आई है भोजन खत्म होता रहा है। मुझे तो लगता है ये वहाँ से खुद नहीं आई, इसको वहाँ के पक्षियों ने निकाल दिया होगा। मनहूस कहीं की। बंटी बहुत ही सीधा सादा होता है, वो फौरन कालू की बातों में आ जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। वरना हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, मजाल है कभी सूखे का मौसम आया हो। और जब से ये चिड़िया आई है कुछ दिनों के बाद बारिशें होना बंद हो गई, अब भोजन खत्म हो गया है। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो, टुनटुनी ही मनहूस है। मेरे ख्याल से हमें टुनटुनी को यहाँ से निकाल देना चाहिए। जब यहाँ से जाएगी तो सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। ये कहकर वो उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और उसे जंगल छोड़ने को कहते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत मिन्नत करती है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भला कहाँ जाएगी, लेकिन वो दोनों उसकी एक भी नहीं सुनते और उसका घोंसला तोड़ देते हैं। दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में एक खतरनाक महामारी फैल जाती है, जिसके कारण जंगल के सभी जीव और पक्षी मरना शुरू हो जाते हैं। कौवा और कबूतर अपने अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। कालू भाई, अगर हम इसी तरह जंगल में रहे तो हम भी इस बीमारी से मर जाएंगे। मुझे तो लगता है हमें किसी और जंगल की तलाश करनी होगी, जहां भोजन भी हो और बीमारी भी ना हो। हाँ बंटी, तुम ठीक कह रहे हो, हमें आज ही निकलना होगा ताकि रात से पहले पहले हम किसी और जंगल में पहुँच सके। ये बोलकर वो किसी अच्छी जगह की तलाश में उड़ पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो एक दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश और ठंड की वजह से कालू और बंटी दोनों को अपने बच्चों की फिक्र होना शुरू हो जाती है। किसी तरीके से वो उनको ठंड से बचा सके, उन्हें पास ही में घर नजर आता है। वो फौरन उसके पास जाते हैं और आवाज देते हैं। अंदर कोई है तो प्लीज हमारी मदद कर दो, हम दूसरे जंगल से आए हैं, बारिश में बुरी तरह से भीग चुके हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें पनाह चाहिए। लेकिन ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो घर टुनटुनी चिड़िया का है। कालू और बंटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। टुनटुनी उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि वो दोनों क्यों आए हैं। अरे भाई कालू बंटी तुम, अरे आ जाओ, ये अपना ही घर है। कालू और बंटी का परिवार टुनटुनी के घर के अंदर आ जाते हैं। वो उनको खाने के लिए चीजें देती है। टुनटुनी दीदी, हमें माफ कर दें, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भला सूखा आने में तुम्हारा क्या कसूर था, अब हमें अपने किए का एहसास हो गया है, आप प्लीज हमें माफ कर दें। अरे कोई बात नहीं कालू बंटी, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। वैसे भी अगर तुम दोनों मुझे ना निकालते तो मैं भला कहाँ इस अच्छे से जंगल में कैसे आ पाती और आराम से कैसे रहती। मुझे तो तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सब लोग टुनटुनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनको रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया। तो दोस्तों, हम इस कहानी से सबक मिलता है कि कोई भी पक्षी या कोई भी चीज या कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता, इसलिए किसी को मनहूस नहीं कहना चाहिए, बल्कि मुश्किल समय में दूसरे के काम आना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए।